ये है पठानगढ़। यहाँ के पठान और सियासत कुछ अनोखी है, और उन्हीं में से बेखौफ पठान का नाम है। अस्सलामु अलैकुम। दरिया खान। मैं कुछ कहने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि गुरूर ना कर सत्ता में आने का इस कदर, गुरूर ना कर सत्ता में आने का इस कदर, क्योंकि तख्ते पलटने का हुनर हम आज भी रखा करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप सब वाकिफ हैं जो हमारे खानदान ने आप सबके लिए किया है। उस नागिन की सात पुश्तें भी नहीं कर सकती। और हाँ, नागिन से याद आया, तुम कुछ ना कर सकोगे मेरा मुझसे दुश्मनी करके, तुम कुछ ना कर सकोगे मेरा मुझसे दुश्मनी करके, दोस्ती कर लो मुझसे घर मिटाने की ख्वाहिश रखते हो। जय हिंद, जय भारत। भैया, भाभी खतरे में है। ये हैं दरिया खान के भाई बग्गे खान। ये क्या है भाई, ये क्या हाल बना रखा है? चुनाव सिर पर है भाई, पार्टी को आपकी सख्त जरूरत है। बोलो भाई, बोलो बोलो। अरे भाड़ में गए तुम, तुम्हारी पार्टी। और बग्गे सुन ले, भाड़ में गए सब। मुझे मेरी बेगम का बदला चाहिए, समझा? आपको क्या लगता है, मुझे अपनी भाभी की मौत का दुख नहीं है? मैंने भी अपनी माँ जैसी भाभी को खोया है। जी तो करता है उस नागिन के सिर में छह की छह गोली उतार दूं, पर अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और हाँ भाई, इस पार्टी को ना हमने खून पसीने से बनाया है, खून पसीने से, और इसे हम यूं बर्बाद होने नहीं देंगे। चलो ए। सर, आपने अपना छोटा भाई उतारा है इस क्षेत्र से, और आप इस बार इलेक्शन अपने छोटे भाई को लड़ा रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, इस बार मेरी जगह मेरा छोटा भाई यहाँ से चुनाव लड़ेगा। और जिस प्रकार से आपने मुझे हमेशा मोहब्बत दी, सपोर्ट दी, अपनी वोट दी, उसी तरीके से मैं अपने भाई को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि उसको भी आप मोहब्बत दें, प्यार दें, और भारी बहुमत से यहाँ से जिताएं। अरे जरा ठाकुर को फोन मिला के दो। जी सरकार। पता नहीं कहाँ है, कहाँ गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है। ये लीजिए। हेलो। अरे कहाँ हो भाई ठाकुर, ईद का चांद हो गए भाई तुम। जी जनाब, बस बाहर ही खड़ा हूँ। बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ जल्दी। आओ आओ। नमस्ते ठाकुर साहब। आओ ठाकुर आओ भाई, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, बैठो। तुम्हें तो पता ही होगा इस बार हम अपने छोटे भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं। जी जनाब।
खबर मिली है हमें। और नई बात सुन लीजिए, आपके भाई की डील चल रही है सारा खान के साथ। क्या बकवास कर रहे हो ठाकुर, पागल हो गए क्या? अरे साहिब आप तो नाराज हो गए, अगर ये खबर पक्की नहीं हुई ना तो आपकी बंदूक और मेरा सर, जो चाहे कर लेना। दफा हो जाए यहाँ से। मेरा काम था आपको चक्कर ना करना, बाकी आपकी मर्जी। फोन मिला के दो। हेलो। अरे क्या सुन रहा हूं मैं, तुम भी बकवास करने लगे। अरे खून है वो मेरा, मेरे साथ कैसे गद्दारी कर सकता है। सबके सब साले, फोन मिलाओ। हाँ पांडे क्या सुन रहे हैं हम। अरे तुम्हारी भी अकल मारी गई है क्या, वो हमारा खून है, ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ। न्यूज पे, बाद में बात करता हूं। अरे आज ठाकुर नहीं आया। सबसे शातिर सबसे चालाक सारा खानम, जहां बदल बदलने की बात की जाती है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है ठाकुर बलवंत सिंह। हाँ ठाकुर आज तुम्हें आना था। हुजूर आपकी कोठी के बाहर हूँ, बस अंदर आ ही रहा। आओ आओ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे आओ बलवंत साहब आओ, तशरीफ रखो। क्या खबर लाए हो? खबर सुनोगे ना तो फूल ना समाओगे आप। वाह नेकी और पूछ पूछ। बड़े और छोटे भाई में फूट डलवा दिया मैंने। वाह ठाकुर वाह, तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी 25 एकड़ की जमीन का क्या हुआ? सत्ता में तो आने दो, सारे काम हो जाएंगे। बत्तख के बच्चे को तैरना सिखा रही हो। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। शेर खान भाई, ये बारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे अपनी जान पर खेल के उनके लिए लड़े हैं, वो हमारे पे शक कैसे कर सकते हैं? अरे जनाब यही तो मैं सोच रहा हूँ, ये चाल है किसकी? आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। कौन कौन लोग हैं? मैम बहादुरगढ़ से कुछ लोग हैं। अच्छा उनको बैठाइए, हम आते हैं। इन लोगों से मिलने के बाद हम फील्ड पर जाना पसंद करेंगे। दिल्ली हो या मेरठ, दरिया खान ने हमारे सारे काम चौपट करा दिए। जी हाँ खबर मिली हमें। ऐसे कैसे चलेगा? अरे आप टेंशन मत लीजिए खान साहब, अब तो हम सत्ता में आने वाले हैं, आपके सारे काम हो जाएंगे। थोड़ा सब्र कीजिए खान साहब, हमने बहुत ऊपर की सोच रखी है। इजाजत दीजिए हमें, हमें फील्ड वर्क के लिए निकलना है। देखिए जाइए। इलेक्शन जीतना है, पूरी तैयारी कर दो। इलेक्शन हम ही जीतेंगे आपकी बार। अब तो वैसे भी दो दो लड़ रहे हैं हम। वो देखो सामने से आ रहे हैं,
गाड़ी उनके सामने लगाओ। देख वारी नागिन साली। चुनाव सर पर है, इसको हम बाद में देखें। शुक्रिया। शुक्रिया खान साहब, सब आपकी मेहरबानी है। अरे आइए ठाकुर साहब आइए। मैं अपनी पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भारी बहुमत से मुझे जिताया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे ठाकुर साहब का है। भाईजान, इस नागिन को जिताने में ठाकुर साहब का हाथ है। हैं? हाँ हाँ, ठाकुर साहब का हाथ है। कोई बात नहीं भाईजान, अगली बार उनसे सूद समेत बदला लिया जाएगा इंशाल्लाह। अगली बार फतेह हमारी होगी। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है वो हरामजादी नागिन जीत कैसे गई। भाईजान, ये सब ठाकुर की चाल। मैं बग्गे से कहता था, कहते कहते थक गया कि बग्गे, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। पर वो समझा नहीं, बर्बाद हो गए हम।